जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेवन क्लास, दैट इज़ योर लेक्चर नंबर थ्री। योर टुडेज टॉपिक इज़ द कॉम्पोनेंट ऑफ द सिस्टम। ये आपकी प्रीवियस जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज यहाँ ख़त्म हुई। नेक्स्ट वन इज़ योर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम यूनिट जो है वो क्या है कि जो हमारे सामने एक केस नज़र आता है, जो हम डिवाइस जिसको हम सीपीयू का नाम देते हैं कंप्यूटर के साथ, उसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिस्टम यूनिट बेसिकली कहते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट इज़ द केस दैट कंटेन ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, लाइक मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, रैम, रोम, सीपीयू, हार्ड डिस्क ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव। ये सारी की सारी एक सिस्टम यूनिट के अंदर, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ तो एक सिस्टम यूनिट के अंदर ये सारी की सारी डिवाइसेस जो हैं वो मौजूद होती हैं। ओके, हम लोगों ने ये सिक्स क्लास के अंदर जो है वो देखी। सिंग इज़ योर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इज़ अ सिस्टम बोर्ड। ये आपके सामने मदरबोर्ड है जो मेन सिस्टम बोर्ड सीपीयू के अंदर सबसे पहले जो है मौजूद होता है, वो कहलाता है मदरबोर्ड। ठीक है, तो मदरबोर्ड इज़ द सिस्टम बोर्ड और द मेन सर्किट बोर्ड फाउंड फॉर द जनरल पर्पज़ ऑफ द कंप्यूटर विच सर्व्स एज अ सेंट्रल हब। ये सेंट्रल सर्किट हब के तौर पर, ये क्योंकि सारी की सारी जो कंप्यूटर के साथ हम डिवाइसेस अटैच करते हैं, वो सब डिवाइसेस जो हैं वो बेसिकली अगर हम देखें तो सब की सब जो है वो इन जगहों पर आकर अटैच होती हैं, इन स्लॉट्स में आकर अटैच होंगी। PCI यानी कि पैराफरल डिवाइसेस अटैच होंगी। ये आपके सामने यहाँ जो है, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली जो हमारे सिस्टम यूनिट के बाहर, CPU के बाहर जो पोर्ट्स होती हैं, जगह होती हैं, हम इनके अंदर जो है USB लगानी है, हमने ऑडियो डिवाइस लगानी है, यानी कि हमने माइक्रोफोन लगाना है, हमने कैमरा लगाना है, हमने कुछ भी जो है वो अटैच करना है, तो हम इन पोर्ट्स के ऊपर, USB पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट है, हम इन पोर्ट्स में जो है वो अटैच करते हैं। ठीक है, और मदरबोर्ड के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ये मेन, ये हमारा जो है वो CPU है, जिसके अंदर जो है हमारा पूरा कंप्यूटर जो है कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं जो कि सारी की सारी हम इस एक मदरबोर्ड के साथ अटैच करते हैं। दैट्स व्हाई इट विल बिकम योर सेंट्रल हब और सेंट्रल सर्किट हब। ठीक है, इट कनेक्ट ऑल द पेरिफेरल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक CPU और द मेमोरी, तमाम के तमाम इसमें हम अटैच करते हैं। मदरबोर्ड इज माउंटेड इनसाइड द केस, यानी कि जो सिस्टम यूनिट का केस है उसके अंदर, यहाँ पर जैसे अगर आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पर जो है वो मदरबोर्ड अटैच किया गया है। इज सिक्योरली अटैच वाया स्मॉल स्क्रूज। ठीक है, थ्रू द ड्रिल होल्स, होल्स के अंदर इसको हम फिट इन करते हैं। जैसे घर में स्विच बोर्ड लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, उसके अंदर कील लगाकर उसको फिट इन किया जाता है ना वॉल के अंदर, तो यहाँ पर भी सिस्टम यूनिट के अंदर जो है इसको अटैच करने के लिए होल्स होते हैं और होल्स में हम स्क्रूज के ज़रिए उसको अटैच करते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड प्रोवाइड द पोर्ट। मदरबोर्ड के ऊपर पोर्ट्स, यहाँ पर ये पोर्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड प्रोवाइड द पोर्ट्स टू अटैच द हार्ड ड्राइव्स एंड द ऑप्टिकल ड्राइव वाया द रिबन केबल। ठीक है, मदरबोर्ड कैरीज द फैन फॉर द स्पेशल पोर्ट डिज़ाइन फॉर द पावर सप्लाई। मदरबोर्ड के ऊपर जो है वो एक स्पेशल फ़ैन जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन फ़ैन जो है वो कनेक्टेड होता है ताकि वो आपका मदरबोर्ड जो है गर्म ना हो ज़्यादा। ठीक है, स्पेशल पोर्ट डिज़ाइन फॉर द पावर सप्लाई। मदरबोर्ड कैरीज अ नंबर ऑफ पोर्ट्स कनेक्टेड टू द मोनीटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, ये सारे के सारी इन पोर्ट्स में हम डिवाइसेस अटैच करेंगे। ठीक है, तो मेनली मदरबोर्ड में पोर्ट्स होती हैं। पोर्ट्स का मतलब होता है जगह होती हैं जिनके अंदर हम हर डिवाइस को अटैच करते हैं, बेशक वो हार्ड डिस्क हो, बेशक वो CD ड्राइव हो, बेशक वो हमारे पास पैराफरल डिवाइसेस हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, स्पीकर हो, प्रिंटर हो, हम हर तरह की डिवाइस है वो इसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, अब आगे आपके पास ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। ये डायग्राम आपको समझने में मदद देती है कि ये आपका CPU जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैंने भी आपको बताया कि ये मेन पार्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो कि हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस सिस्टम यूनिट में दो पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
कंट्रोल यूनिट का फंक्शन होता है कंट्रोल करना, सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि कौन सी डिवाइसेस से डाटा जो है वो आ रहा है और आगे कौन सी डिवाइसेस में उस डाटा को जो है वो सेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा काम किसके साथ है, सीपीयू के साथ है। तो और जो है ये आगे अटैच होती है हमारी मेमोरीज के साथ, आगे हम जाके अभी मेमोरीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन से डाटा को कहाँ सेव करना है वो मेमोरी यूनिट का काम है कि उस चीज़ को डाटा को सेव करना या आगे हार्ड डिस्क में लेकर जाना, मेमोरी यूनिट जो है वो ये काम करेगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ये जो पूरे ब्लॉक डायग्राम है इसको पूरे को एक्सप्लेन किया है कि सीपीयू के अंदर हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और मेमोरी यूनिट है, और सेम मेमोरी यूनिट को फिर आगे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही है चीप, ये सीपीयू है जो कि यहाँ मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड पर अटैच है। ठीक है, इज़ द प्राइमरी कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। वो क्या करती हैं, प्रोसेस करता है, क्योंकि सीपीयू का काम प्रोसेसिंग का है कि इनपुट डिवाइसेस से डाटा लेना, उसको प्रोसेस करना और आउटपुट डिवाइसेस पे देना। ठीक है, तो सीपीयू क्या करता है कि उसका प्राइमरी यानी कि बेसिक काम ये है कि वो डाटा को लेता है, प्रोसेस करता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, द स्पीड ऑफ द सीपीयू इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज़, सीपीयू की स्पीड जो है वो हर्ट्ज़ में मेजर की जाती है, क्योंकि हमें पता है कि साउंड भी जो है वो हम हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, तो ये स्पीड भी जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्पीड है, इसको भी हम हर्ट्ज़ में मेजर करेंगे। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ द कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर दोनों इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द इलेक्ट्रॉनिक फ्लो। अब जैसे यहाँ पर आप फ्लो देख रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस से डाटा आ रहा है और सीपीयू से ले रहा है, सीपीयू लेने के बाद उसको मेमोरी यूनिट में भेजना है नहीं भेजना वो डिसीजन करना और फिर आगे आउटपुट डिवाइसेस में देना, ये सारा काम जो है वो सीयू यानी कंट्रोल यूनिट का है। इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अराउंड द कंप्यूटर, इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द अदर यूनिट इन द सिस्टम। समझ आ गई। नेक्स्ट बने द अरिथमेटिक लॉजिक, अरिथमेटिक का मतलब होता है, यहाँ पर आप सिर्फ वर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, अरिथमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, लॉजिक्स जो हैं वो लॉजिकल कंपैरिजंस को शो करता है, जो हम मैथ्स में करते थे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, कंपेयर करता है ना दो वर्ड्स के दरमियान, तो वो कंपैरिजन होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक का फंक्शन ये है कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल कंपैरिजंस करता है। समझ आ गई, दोनों को आप जो है वो डिफाइन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड द लॉजिकल कंपैरिजंस। ALU ऑपरेट ऑन द डाटा अवेलेबल इन द मेमोरी यूनिट। ALU जो है वो क्या करता है, ALU इज़ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो जो है वो आपकी मेन मेमोरी में, ये मेमोरी यूनिट में जो है वो डाटा को सेंड करना और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एंड सेंड देम बैक टू द प्रोसेसिंग अगेन टू द मेन मेमोरी, यानी कि पहले भेजना और फिर वापस लेना। ठीक है, मेमोरी यूनिट क्या है, अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखा था क्या है हमारे ब्लॉक डायग्राम में, मेमोरी यूनिट है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट जो है वो मेन प्राइमरी यूनिट है, प्राइमरी अगेन बेसिक यूनिट है, जो कि हमारे सीपीयू के साथ इतना क्लोज होता है कि हम उसको सीपीयू का पार्ट ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हम कह सकते हैं कि ये मेमोरी यूनिट हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो है वो माउंटेड होता है, यानी कि लगा हुआ होता है, वहीं पर अटैच होता है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट के आगे दो टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज़ योर रैम एंड सेकेंड वन इज़ योर रोम। रैम जो है वो क्या करता है, इज़ यूज टू रीड एंड राइट। यहाँ पर अगर हम पढ़ें, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जो कि रैंडमली का मतलब बार बार एक्सेस हो रही होती है। अच्छा, रैम के बारे में मैं आपको पहले बताती चलूँ कि ये तो उन्होंने बता दिया रीड और राइट के लिए इस्तेमाल होती है, और उसके अलावा ये होता है रैम की मेमोरी हमेशा हम अपना कंप्यूटर जो है जब हम बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन कर लेते हैं तो एक टाइम आता है कि आपका मोबाइल जो है वो हैवी होना शुरू हो जाता है, हैंग होता है, चलता नहीं है, व्हाट्सएप नहीं ओपन हो रहा है, फेसबुक ओपन नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि हर वो प्रोग्राम, हर वो सॉफ्टवेयर जो कि ओपन होना होता है वो हमेशा रैम की मदद से ओपन होता है। ठीक है,
हर एक कोई भी आपने गेम ओपन किया, आपने फेसबुक ओपन किया, आपने कोई भी चीज़ अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में आपने ओपन किया, तो वो सबसे पहले लोड होगी हार्ड डिस्क से, वो आएगी लोड होकर कहाँ पर, रैम में। ठीक है, तो जब आपके पास रैम के पास कैपेसिटी बहुत छोटी होती है, जब एक छोटी सी जगह को बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है तो क्या होगा, वो कहते ना कि हम उसको ज़बरदस्ती अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं घुसता। फिर हमारे लिए आखिरी चांस ये होता है कि हम अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं। तो रीस्टार्ट करने से ये होता है कि रैम के अंदर जितनी मेमोरी है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है। जब वो क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर हम उसमें और डाटा जो है वो लोड कर सकते हैं। समझ आइए, तो मेन रैम जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो कि हम ओपन करते हैं रैम की मदद से ओपन होती है, क्योंकि वो सबसे पहले कहाँ लोड होगी, रैम में। ठीक है, तो रैम इज़ यूज़ फॉर रीड एंड राइट, दोनों काम करती है, बट द डाटा इज़ अ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब होता है वॉश आउट होने वाला, क्लियर होने वाला, परमानेंट उसमें नहीं रहता, इसलिए वो मेमोरी क्या कहलाती है आपके पास, टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, Whenever the power is switched off, the content of the RAM are lost. जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम जैसे अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे, ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा कि उसकी मेमोरी जो है वो वॉश आउट हो जाएगी। ऑल द कंप्यूटर प्रोग्राम्स मस्ट लोड इन टू द रैम बिफोर एग्जीक्यूशन। ये बात भी मैंने आपको बताई कि वो हर प्रोग्राम जो है वो पहले लोड होगा रैम में एग्जीक्यूशन से पहले। The size of the memory is measured by the number of bytes available for use. ठीक है, वो बहुत छोटी होती है तो इसलिए number of bytes के ऊपर depend करता है। Next one is your ROM. ROM अगर आप पढ़ के देखें तो क्या है, read only memory. The memory is only for reading. ठीक है, यहाँ पर हमने RAM देखा, reading और writing दोनों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन ROM जो है वो सिर्फ reading के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वो हैं जब हम नया फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं या बनाते हैं, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, तो सारी की सारी कि हमने उसको ओपन कैसे करना है, हमने उसमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, तो जो इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की या एंड करने की, अपने मोबाइल को ऑफ करने की हम इंस्ट्रक्शन सेव करते हैं, वो रैम में नहीं होती, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं रोम में। ठीक है, कि हमने कोई चीज़ अपने मोबाइल को ओपन किया तो ब्लैक स्क्रीन आती है, उसको कहते हैं बूटिंग स्क्रीन। वो बूटिंग कहाँ से कराता है, रोम से, रोम से सारी इंस्ट्रक्शंस जो है वो लेता है, लाकर रैम में लोड करना शुरू करता है, तो जाकर हमारा मोबाइल जो है वो ओपन होता है, वो रोम का मसला है। समझ आ गई, तो रोम इज़ अ नॉन वोलेटाइल, तो इसलिए क्या है कि ये रीड ओनली है, इसलिए ये परमानेंट मेमोरी होती है, इट्स अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल वर्ड है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इन द रोम आर एम्बेडेड परमानेंटली एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब स्टार्ट होता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है हमारा मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप, तो तब हम इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ROM contain the input output system, BIOS जो है वो given होती है, और the program that starts the computer, वो program जिसकी मदद से हमारा computer start होता है, ये आपका ROM है। ठीक है, ये RAM और ये आपके पास क्या है, ROM। समझ आ गई, ये भी अगेन motherboard के ऊपर होता है, इसलिए हम उसको इतना close होता है system unit के कि हम उसको उसका part ही जो है वो consider RAM और ROM को करते हैं। ठीक है, टुडेज़ लास्ट टॉपिक आपके पास क्या है, योर रैम एंड रोम डिफरेंस। रैम और रोम का डिफरेंस क्या होता है कि रैम स्टोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को सेव करते हैं, बट द रोम कॉन्टेन द बूटिंग अप। जैसे मैंने भी लव्स यूज़ किया था कि जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो फर्स्ट विंडो हमारे सामने आती है वो बूटिंग होती है। ठीक है, बूटिंग हो रही होती है, वो बूटिंग कहाँ से होती है, रोम से। तो बूटिंग विंडो जो है वो कैरी करता है, रोम में डाटा जो है वो मॉडिफाई नहीं होता, जबकि रैम में डाटा जो है वो मॉडिफाई होता है। द डाटा इन द रैम कैन बी मॉडिफाइड बट द रोम द डाटा इज़ नॉट मॉडिफाइड। रैम इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी, रैम की मेमोरी जो है वो टेम्प्रेरी होती है, इसलिए वो वॉलेटाइल होती है, लेकिन रोम की जो मेमोरी जो है, रोम मेमोरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, नीचे रैम की और रोम की दोनों की टाइप्स दी हुई हैं, जिसको यहाँ पर उन्होंने डायग्राम में शो किया है।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी. अच्छे तरीके से पढ़ें, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़.